नानी साड़ी लीजिए। ये तो सिर्फ बॉलीवुड में साड़ियां बेचते हैं, मेरी साड़ियां तो हॉलीवुड तक जाती है। एंजेलिना जोली मेरी साड़ी पहनती है? ए, 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 आज तक कभी एंजेलिना जोली को साड़ी में देखा नहीं। वाह, इतनी खूबसूरत बीवी है और एंजेलिना जोली को बिना साड़ी के देखना चाहते हैं, देखो शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो है ही ऐसे, अपनी आवाज बंद रखो, समझे, बंद रखो। हाँ, आवाज बंद रखनी है ना, तो हमारे पास साउंड प्रूफ साड़ी भी है। अगर मान लो आपका पेट खराब हो जाता ना मैडम, तो आवाज भी बाहर नहीं आएगी। ये वाली साड़ी तुम अपनी माँ के लिए ले लो। What do you mean? अगर ऐसी बात है तो चार पांच अपने लिए भी ले लो, दे दीजिए इन्हें। सही कह रही है, सही कह रही है आप। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, जब से आए ना मेरी ऑक्सीजन ही पूरी मिल रही मेरे को। कुछ तो ये झोल कर रहे हैं। आपके देखो बॉटम में से हवा निकल रही है। इनको क्या करने के लिए रखा, कोई और भी कुछ करते हैं। यार ये साड़ी छोड़ो, पहले इसका मुंह बंद करो, कब से ए लगा रखा है। हेलो, क्या कर रहे हो, साड़ी दिलाओ जल्दी से। अरे आप एक मिनट काम कीजिए, आप ये साड़ी पहने, पकड़ पहन लीजिए। देखिए माता हो या बहने, 50-50 साड़ी ही पहने। क्या है रे, पेट छुप गया। क्या कर रहे हैं आप? मैडम मैं आपको एक ऐसी साड़ी देता हूँ, उससे आपको बोरियत ही नहीं फील होगी। कैसे बोरियत ही नहीं कैसे फील होगी? देखिए ना ये साड़ी का कपड़ा देखिए, ये क्या है ना, इसको हमने बनाया जिसमें टीवी नहीं पैक होके आता, तो साड़ी पहन ली आपने, उसके बाद टाइम पास करती रही इसको फोड़ के। ये देखो आवाज आती है, ये साड़ी, ये देखो पकड़ो इसको, ये देखो, ये देखो ट्रांसपेरेंट साड़ी है। आप अपना टाइम पास करते रहिए, जो आपको देखेगा उसका अपना होता रहेगा। ये देखिए, देखो कितनी अच्छी लग रही है, मेरा दिल कर रहा है आप ही शादी कर लो इनसे। सॉरी ये साड़ी भी मुझे नहीं जमी। जमा आपको, आपके एक्चुअली पति का मुंह नहीं है, इनके ऊपर है ना साड़ी, जब आपके ऊपर यही साड़ी होगी ना, ओ क्या आग लग जाएगी। बकवास लग रही है यार ये साड़ी, बहुत हो गया, साड़ी उतारो। आपकी बीवी, आप उतारो। मेरी साड़ी उतारो। आपकी कहाँ है, ये तो हमारी है। अरे यार तो तुम्हारी साड़ी उतारो। तो हमने कहाँ पहनी है यार। पुलिस, ये क्या हो रहा है इधर भी? पुलिस, पुलिस आ गई। हो क्या रहा है इधर? कपिल शर्मा शो। ये जो दुकान है तुमने साड़ी की खोली हुई है, किसको पूछकर खोली है? बंद करें इनको। एक मिनट, लेकिन आप ये दुकान कैसे बंद करवा सकते हैं? कर्फ्यू लगा हुआ है इधर। सारी दुकानें बंद हो जाएगी तो हम साड़ी कहाँ से खरीदेंगे डार्लिंग? आप मेरी बात सुनिए, आप साड़ी वहाँ से खरीदें। देखो कितनी प्यारी प्यारी साड़ी लगाई उसने, मीठी मीठी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप पुलिस वाले की आड़ में साड़ी बेच रहे हैं? Shut up! You shut up! ये देखो ये shut up क्या होता है अभी? Shut up के बीच में जब चांटा भी मिल जाता ना तो उसे shut up कहते हैं। तुम पुलिस वाले को चांटा मारोगे? नहीं, हम चाय वाले को मारेंगे। चाय वाला? चाय वाला है कहाँ? मैं बुलाता हूँ अभी। चंदू दो चाय लाना। अभी लाया। अच्छा ये ना मतलब कई चीजों को प्रोनाउंस भी बड़ा गलत करती है। मट पनीर, मटर पनीर कहें ना आप, मट पनीर। मतलब ये अपने आप को कहती है डॉक्टर, पर कई बार बिल्कुल ही फालतू चीजों में लटक जाती है। सुपर पाजी, आप बहुत मजेदार हैं। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों मियां बीवी लगे हुए हैं। व्हाट अ रेनी डे। ओहो मैं ना आज तो भीगते भीगते बच गया भाई। छाता खोल लेते? नहीं, छाते में छेद है एक्चुअली, इसलिए नहीं खोला। छेद वाला छाता क्यों रखा आपने? मुझे थोड़ी पता था यार बरसात हो जाएगी, इट्स अ नेचर कॉल, मेरा थोड़ी कंट्रोल है इसके ऊपर। अभी जी नमस्कार।
नमस्ते, आई एम डॉक्टर मिशेल ग्लाडी। मैं अभी निकालती हूँ आपकी डॉक्टरी। आई थिंक झूठे मूठे डॉक्टर हो आप। नहीं नहीं, आई एम, देखा है आपको क्या करते हो आप। नहीं नहीं, आई एम TTBH। अच्छा, वो कौन सी डिग्री हुई? TTBH थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ। एक्चुअली भाभी ये झूठ बोल रहे हैं, TTBH ये PHPH है। वो क्या होता है PHPH? पूरा ही पागल। मानना पड़ेगा कि आपने ना बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, जो आपकी वाइफ को इतना अच्छा देवर मिला। आप कहां से अच्छे डॉक्टर साहब, ऐसे ऐसे बाल कोई रखता है डॉक्टर? ऐसे बाल, ये तो कलमे हैं, तुमने खींच खींच के इसके बाल बनाए हैं अंदर से, खींच के पूरा चेक कर, वरना ये बिल्कुल ठीक थे। हाँ, फालतू बकवास कर रहे हो। सिद्ध साहब, लेट मी चेंज द टॉपिक। मुझे पता था भाभी जी आने वाली, तो मैं अपनी वाइफ साथ में ले आता। आपकी वाइफ कहाँ जाएंगी, 20 साल पहले तो भाग गई आपको छोड़ के। नहीं, वो भागी नहीं है, वो चल के गई, ऑटो पकड़ा उन्होंने। बस थोड़ी सी वो नाराज होके गई हैं, बस थोड़ा सा ये है कि पाजी, आदमी बिना राशन लाए तो हाँ, कभी राशन ना लेके आए और जाके घर में पूछे खाने में क्या बनाया, तो बीवी तो नाराज होगी कि नहीं? बिल्कुल, बीवी तो पिटाई करेगी। नहीं, इस मामले में बहुत बेशर्म थी वो। मैं पूछती थी क्या बनाया है, तो कहती थी तली वाली हवा बनाई है। उसको तो बस वही प्रॉब्लम थी जो हर वाइफ को हस्बैंड के साथ होती है, टाइम की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। सिद्धू साहब, अरे सिद्धू साहब तो यहाँ बैठे हैं। मेरे को वेदन लगा हुआ है ना, चल रहा है काफी टाइम। डॉक्टर साहब सारा टाइम तो फ्री रहते, अपनी जुए निकाल के गिनते रहते हो, टाइम बीवी को नहीं दे सकते थे आप? नहीं नहीं, समझे नहीं, सारा टाइम मैं उसको देता था, यही प्रॉब्लम थी। तो ज्यादा टाइम दे दिया। हाँ, उससे सहा नहीं गया। बट मैं, भाभी जी, एज ए डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, मैं उसको स्पेस देता था। अच्छा, मैं ना उसको, मैं बताता था मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं इस दीवार के पीछे छुप जाता था, खड़ा रहता था मैं। वो थी बड़ी चंटू, ऊपर से देख लेती थी, बस बताती वो भी नहीं थी कि मैंने देख लिया। सारी सारी दोपहर मैं खड़ा रहता था जी, इस लेडी ने मुझे बताया नहीं कि मैंने देख लिया, मैं गर्मी में सड़ रहा हूँ, ये देख लिया। फिर एक दिन बिना बताए ना चली गई, चली गई। ये वाली बात तो जब मेरी शादी हुई ना, तो जब लड़ाई होगी तो इनका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इनको कंप्यूटर्स ये कुछ भी दे, इनको ABC नहीं पता। आप इनका टीवी शीवी तोड़ दो, खराब कर दो, इनको कुछ नहीं पता कैसे लगाना है। तो जब मेरे साथ लड़ाई हुई, मैं कह, ये बंदा बड़ा बिजी बैठा है, कैसे टीवी देख रहा है? लड़ाई मेरे साथ हुई है, मुझे मनाए, मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ। अच्छा। मैंने बाहर जाके सारी तारे तूने खींच दी, सारे अखबार वो पार कर दिए, बेचारा थोड़े देर बाद बोर हो गया, इसको तार लगानी नहीं आती अभी तक टीवी। अच्छा भाभी जी, कुछ नहीं आता इसको, तार लगानी नहीं आती। मैं टीवी मैकेनिक हूँ, तार लगानी नहीं आती। अरे तो उसमें क्या हो गया भाभी जी? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बट मैं कर रहा हूँ। उसमें क्या है भाभी जी? भाभी जी कोई नहीं, RGBG। RGBG क्या? बात गई, बात गई। इतना नहीं पता तुमको? आए, मैं को आपसे जोक सुनना है बस। वो आपको क्यों जोक सुनाएंगी भाई? दबे, अरे देवर भाभी का रिश्ता हंसी मजाक वाला होता है यार, हमको नहीं सुनाएंगी तो किसके लिए सुना देंगे? बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज हैं, मैं आपके टेस्ट करना चाहूँगा। मेरे मतलब आप, आई वुड लाइक टू डू जोड़ों का टेस्ट करना चाहूँगा। वो बिल्कुल फिट है, वो क्यों जोड़ों का टेस्ट करेंगे आप? नहीं फिट नहीं है, क्या घुटना दुखता है? अच्छा, नहीं नहीं, मैं जोड़ों का टेस्ट करना चाहूँगा। करो जी। अगर आप नकली निकले तो मैं अंदर करवा दूंगी, मंत्री हूँ। जोड़ों का टेस्ट मतलब? अगर आपने गलत किया ना तो मुझे पता है। देखिए जोड़ों का, आप अकेले अकेले का टेस्ट नहीं करते। वो तो मैं इसको भी कह देती हूँ कि मुझे कभी टॉर्चर करने की कोशिश की तो पंजाब पुलिस बुला के अंदर करवा दूंगी। आप देख लो, अगर सिद्धू साहब, मुझे लगता था आप ही बहुत ज्यादा बातें करते हैं, पर मैडम तो कमाल है, हमें मुद्दे पे नहीं आने दे रहे। हमें मुद्दे पे नहीं आने दे रहे। But I must say, I have a busy day and it is a rainy day. और बाहर पीछे बहुत पानी इकट्ठा हो गया, मैं किश्तियाँ बनानी है मुझे जाके। So Sidhu साहब, have apple a day, keep the doctor away.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.